अस्सलामुअलैकुम। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ शारजा में और यहाँ पे आज फिर बारिश हुई है। बारिश के बाद बिल्कुल पाकिस्तान जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। चलो कोई नहीं यार, कोई मसला नहीं है। अभी हम जाएंगे, एक नाम है पता नहीं शागारा पार्क के कुछ है इस तरह, वहाँ जाना है। यहाँ से सबसे ज़्यादा तंग जो मैं आया हूँ ना, ट्रैफिक से आया हूँ। ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक तो ये हर जगह लाइटें लगी होती हैं सिग्नल्स, तो 2 मिनट सफ़र करो उसके बाद 3 मिनट रुको, ऐसे ऐसे बंदा पैदल ही घूमे। 10 मिनट का सफ़र जो है वो गाड़ियों में 50 मिनट का बन जाता है। तो ये है एक छोटी सी वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस पानी के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे और बारिश ना हो यार। आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी हम जाएंगे पुल से। ऐसे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, वरना इस टाइम यहाँ पे वॉक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप बैक साइड तो मैंने आपको काफ़ी दिखा दिया, मतलब आमने सामने के जो नज़ारे थे, पर अपना आप दिखाना भूल गया था। तो ये हूँ मैं और कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ एक बस स्टेशन है उसके करीब जाना है ताकि बस में वापस जा सके। यहाँ पे सीन कुछ ये है कि हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि घर में एक गाड़ी होती है, पूरी फैमिली वाले वो यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे सीन ये है कि हर एक के पास अपनी गाड़ी होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं और गाड़ियों में यहाँ पे घूमना फिरना नहीं पसंद आया मुझे यार। इससे अच्छा बंदा स्कूटी ले ले यार, इरादा है वो लेने का। और यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा तो ना रहा तो फिर तो वैसे भी पाकिस्तान जाना है, क्योंकि स्कूटी का बहुत मज़ा आता है। कभी तो चार्ज करो, घूमो फिरो सारा दिन और रात को फिर चार्ज कर दो। ये है पार्क बच्चों के लिए, सामने है मस्जिद। यहाँ के तमाम जितने भी मस्जिद हैं सारे एक जैसे ही होते हैं, मतलब जिस तरह हमारे मस्जिद होते हैं कोई छोटा बड़ा और डिज़ाइन चेंज होते हैं, यहाँ पे वो सीन नहीं है, सारे मस्जिद सेम होते हैं। और बिल्डिंग तो ऊपर देखोगे तो सर से वो पे गिर जाएगी। वीडियोज़ बनाने का दिल कभी कभी करता है, पर यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से फिलहाल नहीं बना रहे। ये है पानी, अभी बंदा यहाँ से जंप करे तो काफ़ी मज़ा आ जाए। ये भी मैं शारजा आया हूँ, यहाँ पे इतना रश है नहीं, मतलब ये दुबई साइड होता तो ये सारे रोड भरे होते, तो फिलहाल तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। मेरे ख्याल से कल अलर्ट दिया हुआ था कि बारिश होगी, जिसकी वजह से आज ज़्यादातर लोगों का ऑफ है, ऑफिसेज और स्कूल वगैरह का, तो उस वजह से भी रश कम हो सकता है। और ये गाड़ियाँ मेरे ख्याल से इससे पहले जो पानी आया था उसके बाद अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, MG, किया, हुंडई, किया, नई नई गाड़ियाँ हैं मेरे ख्याल से बस एक्सपायर हो चुकी है। इससे पहले जो बारिश हुई थी वो तो सब कुछ क्लियर हो गया था, अभी आज जो हुई है ना उसका आप चेक कर सकते हैं। देखे तो यहाँ पे पानी का सिस्टम काफ़ी ख़राब है, थोड़ा सा पानी भी हो तो उसके लिए भी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई इससे पहले के भी। और ये है ग्रीन ग्रीन ग्रास, और यहाँ पे है ढेर सारी कबूतर, वो जो है एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज़ादी को।
यार ये मुझे लगता है मैं शारजा में नहीं हूँ, कहीं और आ गए, क्योंकि लोग तो बोलते हैं शारजा इस तरह है जैसे हमारे गांव होते हैं पाकिस्तान में, तो ये तो इस तरह नहीं लग रहा। चलो जो भी है एंजॉय करते रहो आप लोग भी और मैं भी। यार मुझे लगा कि मैं बिल्कुल दुबई के सेंटर में रहता हूँ तो वहाँ पे सब कुछ है, पर वहाँ पे तो इतनी ग्रीनरी नहीं है जितनी यहाँ पे। पार्क्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और बिल्डिंग्स तो है ही, बिल्डिंग्स का हमने क्या करना है। और सच बात बताऊँ तो मैं उस दिन दुबई मॉल और वो बुर्ज खलीफा गया हुआ था, वहाँ पे मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना यहाँ पे आ रहा है, पता नहीं क्यों। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा छिलने के बाद आपको एक मस्जिद नज़र आएगा, देखिए कि और एक वो है, मतलब आमने सामने है मस्जिद भी यहाँ पे, और लोग भी काफ़ी होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये दो मस्जिद तो मैंने दिखा कि अभी तीसरा भी देख रहे हैं, वो देखिए मतलब एक जगह पे तीन मस्जिद। तो इस व्यू के साथ अपने व्लॉग को कर देंगे एंड, अपने दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ये आप लोग चेक कर सकते हैं फ़नी, आज ब्लू है फ़नी फ़नी, चेक कर सकते हैं आप लोग ढेर सारा पानी। चले आज के व्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वैसे तो व्लॉग को मैं एंड कर चुका हूँ पर ये आप लोग चेक कर सकते हैं, जाते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये गाड़ियाँ अभी तक खड़ी है, तो अभी उसको लेके जा रहे और इसको सही कर देंगे मेरे ख्याल से। लेके ये है सिस्टम।